हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। फ्रेंड्स, आज इंग्लिश टाइपिंग सीखने का चौथा दिन है। आज हम सीखेंगे अपर रो के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अपर रो के बारे में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको अपने हाथों को होम रो पर ही रखना है। आप टाइप करेंगे क्यू और वापस आएंगे, इसी प्रकार डब्ल्यू वापस, ई वापस, आर वापस, टी वापस, इसी प्रकार इस तरफ करेंगे पी वापस, ओ वापस, आई वापस, यू वापस, वाई वापस। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हम कोई भी की को प्रेस करेंगे और वापस अपनी होम रो पर आ जाएंगे। फिर से ट्राई करेंगे Q वापस, W वापस, E वापस, R वापस और इसी उंगली से T वापस। इसी प्रकार इधर करेंगे P वापस, O वापस, I वापस, U वापस और इसी उंगली से Y वापस। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस उंगली से R प्रेस करेंगे और वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे और इसी उंगली से टी प्रेस करेंगे और वापस अपनी उंगली पर आ जाएंगे। इसी प्रकार इधर वाली उंगली से यू प्रेस करेंगे और वापस, और वाई प्रेस करेंगे और वापस। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से ट्राई करेंगे क्यू वापस, डब्ल्यू वापस, ई वापस, आर वापस, टी वापस, स्पेस दबाएंगे, पी वापस, ओ वापस, आई वापस, यू वापस, वाई वापस, स्पेस। फ्रेंड्स, ये तो था आपका डे फोर का वर्क। इसे आपको 4 से 5 पेजेस करना है। ध्यान रहे दोस्तों, आपकी शिफ्टिंग बहुत सही होनी चाहिए। मतलब आपको जब मैं इस उंगली का यूज आर टाइप करने में करता हूं तो ध्यान रखिएगा कि ये उंगली आर के लिए प्रेस हो रही है और वापस आ जा रही है और इसी को शिफ्ट करके टी पर ले जाना है और वापस आ जाना है। इसी प्रकार जब मैं इधर से यू प्रेस करता हूँ वापस अपनी जगह पे और फिर इसी उंगली को शिफ्ट करके वाई प्रेस करना है और वापस अपनी जगह पे आना है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि शिफ्टिंग आपकी सही होनी चाहिए और ये भी ध्यान रखें कि कौन सी उंगली किस बटन को प्रेस कर रही है। दोस्तों, ये आपका डे 4 का वर्क है। इसे आपको 4 से 5 पेजेस करना है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।